नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा संधि। कक्षा 10 में संधि के संबंधित 4 नंबर के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो संधि के अंदर जैसे किस प्रकार प्रश्न आएंगे उसका भी बारे में पढ़ेंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह पूछे जाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संधि का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम पढ़ें तो संधि जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति है, जो शब्द का निर्माण है वह सम उपसर्ग और धी के मिलने से हुआ है। सम का सम या उपसर्ग है, इस बात धारणा सम उपसर्ग और धी के मेल से बना संधि बिना, और सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से और धी का अर्थ होता है मिलना, यानी दो वर्णों का अच्छी तरह से मिलना ही क्या आता है, आता है संधि कहलाता है। और इसमें संधि प्रयुक्त हुई है वो संधि याद रखना व्यंजन संधि, और व्यंजन में भी अनुस्वार संधि का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त हम बात करें संधि की परिभाषा की, तो परिभाषा में हम दो परिभाषाओं के बारे में जान सकते हैं। पहली परिभाषा है पर सनिकर्ष संहिता, यानी पर परस्पर निकटता से, यानी परस्पर अत्यधिक निकटता से ये क्या होती है संहिता। संधि का दूसरा नाम ये क्या है संहिता है, तो परस्पर निकटता से ये क्या होती है संधि होती है। और तीसरी बात दूसरी परिभाषा है द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम भवति तत संधि कथ्यते, यानी दो वर्ण द्वयो वर्णयो दो वर्णों के परस्पर जो मिलान होता है, जो मिलन होता है उसे क्या कहते हैं संधि कहा जाता है। इन दो वर्णों के परस्पर मेल क्या बोलते हैं संधि कहा जाता है। अब संधि में कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। प्रथम बात है कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है, यानी प्रत्येक शब्द की संधि नहीं होती, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है। दूसरी बात संधि में दो खंड होते हैं, प्रथम खंड व द्वितीय खंड, और तीसरी बात संधि करते समय प्रथम खंड के अंतिम वर्ण, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण को मिलाया जाता है। यानी मान लो मैं कुछ बात करूं, कोई शब्द संधि विच्छेद दिया गया है और आप मिलान करने के लिए, जैसे मैं लिखता हूं राम प्लस अवतार, इसे हम प्रथम खंड कहेंगे, ये प्रथम खंड है और ये आपका द्वितीय खंड है। अब संधि करते समय प्रथम खंड के अंतिम वर्ण को, अब ये राम है, इस राम का अंतिम वर्ण, इस राम के अंतिम वर्ण में क्या है, तो राम शब्द का हम अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद क्या होगा र प्लस आ प्लस म प्लस अ, यानी प्रथम खंड का अंतिम वर्ण में क्या आया पर है अ वर्ण मिला है। इसके बाद में द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण हमेशा वर्ण विच्छेद करें तो अ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस आ प्लस र प्लस अ, तो द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण, तो द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है अ है। तो संधि में हमेशा दो वर्ण मिलते हैं, दो शब्द कभी भी नहीं मिलते, और नियम कहता है कि अ और अ के मिल के बनेगा आ, तो नए वर्ण क्या आएगा और राम प्लस अवतार क्या बनेगा रामा अवतार रामा अवतार। तो संधि में हमेशा दो खंड, संधि करते समय प्रथम खंड के अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण को मिलाना है, और अंतिम बात संधि हमेशा सार्थक शब्दों की होती है, संधि करें उसमें सार्थक शब्द होने आवश्यक है, निवृत्त शब्दों की संधि कभी भी नहीं होती है। अब बात करें कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है, संस्कृत और हिंदी भाषा की बात करें तो संधि तीन प्रकार की, पहली अच या स्वर संधि, दूसरी हल या व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। तो अच स्वर संधि,
हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो तीन प्रकार की संधि होती है और तीनों ही संधियों का हम अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम बात करें कि इसमें भी अक्षर संधि के भी भेद हैं, व्यंजन के भी भेद हैं, विसर्ग के भी भेद हैं, और आपके पाठ्यक्रम के अंदर 10th क्लास के अंदर अक्षर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों का ही प्रयोग हुआ है, तीनों के अंदर से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें पहचान आनी चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर वहां आपको संधि का विच्छेद या संधि करने के साथ साथ में संधि का नाम भी लिखना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि संधि में दो खंड होते हैं और संधि तीन प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार कौन कौन से, एक संधि होती है आपके स्वर जिसे हम अच संस्कृत में अच के नाम से जानते हैं, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि जिसे हम संस्कृत में हल के नाम से, और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। अब मैं आपको मूल रूप से पहचान बता रहा हूं कि पहचान कैसे करते हैं कि इस शब्द में स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो इसकी सीधी सी पहचान है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि संधि में हमेशा दो खंड प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम खंड के अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण के देखने पर मालूम पड़ जाएगा, पहचान हो जाएगी कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है। तो सबसे पहले स्वर संधि या अच की पहचान क्या है, तो इसकी पहचान ये है कि यदि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में स्वर, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में स्वर और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में स्वर आ जाए, वहां संधि हमेशा स्वर संधि ही होगी। हालांकि स्वर के अंदर दीर्घ हो सकती है, स्वर में गुण हो सकती है, वर्धि हो सकती है, यण हो सकती है, अयाति हो सकती है, पररूप हो सकती है, पूर्वरूप हो सकती है, लेकिन होगी कौन सी, स्वर संधि ही होगी। यानी प्रथम खंड का अंतिम और द्वितीय का पहला, यानी फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, दोनों में यदि स्वर आ जाए वह संधि हमेशा स्वर संधि ही होगी। तो ये सबसे बड़ी पहचान है आपके स्वर संधि की, यहाँ से पहचान हो जाएगी। बाद में आप उसमें दीर्घ, गुण, वर्धि, यण, अयादि, वो बात की बात है, हम उसके बारे में आगे पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि की पहचान है, मैंने बताया कि संधि में दो खंड, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में यदि स्वर आ जाए और बाद में यदि द्वितीय खंड में व्यंजन आ जाए तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होती है। या फिर ये भी नहीं हो, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में यदि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में व्यंजन और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में स्वर आ जाए तो भी वह संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है, दो खंड होते हैं, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में व्यंजन और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में व्यंजन आ जाए तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। व्यंजन में सशुद्ध हो सकती है, सशुद्ध हो सकती है, अनुस्वार हो सकती है, प्रस्वर हो सकती है, पुरुषवर्ण हो सकते हैं, लेकिन होगी कौन सी, व्यंजन संधि होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्या कंडीशन पहली स्वर संधि की, कि स्वर के बाद में स्वर, संधि स्वर है, स्वर का भेद कोई हो सकता है। व्यंजन की पहचान क्या है, यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर आए और बाद में व्यंजन आए, संधि कौन सी होगी, व्यंजन। दूसरी कंडीशन, व्यंजन पहले स्वर बाद में, संधि कौन सी होगी, व्यंजन। फिर व्यंजन पहले बाद में व्यंजन, संधि कौन सी होगी, व्यंजन। यानी इन तीन स्थितियों को देखने के बाद हमें मालूम होता है कि यहाँ दोनों तरफ स्वर था और यहाँ कहीं ना कहीं एक तरफ आपको व्यंजन मिलेगा, या एक तरफ व्यंजन रहेगा या दोनों तरफ व्यंजन रहेगा। लेकिन अगर आप जहां पर भी एक तरफ आपको व्यंजन दिखाई दे, वहां संधि कौन सी हो जाएगी, आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। अंतिम बात करें विसर्ग संधि की, कि विसर्ग की पहचान क्या है, तो विसर्ग संधि की पहचान में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या होगा, आपका विसर्ग होगा, और इस विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। यानी विसर्ग के बाद में प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में पहले स्वर आए, भले ही व्यंजन आए, संधि कौन सी होगी, विसर्ग। विसर्ग का भेद कोई हो सकता है, वह सत्व हो सकता है, वह रुत्व हो सकता है,
वहाँ उत्व हो सकता है, वहाँ लोप हो सकता है, लेकिन संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ये आपको मैंने मूल रूप से पहचान बताई है, वापस देखना, स्वर के बाद में स्वर संधि स्वर होगी, एक तरफ व्यंजन किसी भी तरफ आ जाए या दोनों तरफ आ जाए संधि व्यंजन होगी, और प्रथम क्रम के अंतर्गत विसर्ग आ जाए वहाँ संधि कौन सी होगी? विसर्ग। ये मूल रूप से इसकी पहचान थी। तो आज हमने पढ़ा संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा के बाद में संधि के कुछ विशेष नियम, विशेष नियमों के बाद संधि के तीन भेद कौन कौन से, अच स्वर हल व्यंजन और विसर्ग, और ये पहचान मोटी मोटी तौर पे कि मोटतम पहचान कैसे की जाती है। कल हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि की और स्वर संधि के उनके भेदों का। नमस्कार, धन्यवाद।